अगर अभी कोई तुम्हें मेरे साथ इस तरह देख ले ना, तो वो यकीन ही ना करे कि ये वही लड़की थी जो शादी पे लोगों से हंस हंस के बातें कर रही थी, और मेरे साथ तो तुम्हारी शक्ल ऐसे बनी होती है जैसे कड़वा बादाम खा लिया हो। तुम कड़वा बादाम नहीं, जहरीला बादाम। इतना नेगेटिव और टॉक्सिक बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। चलो एक नया लव सीख लिया, टॉक्सिक। रगड़ी जाओ बस उसको। क्या नेगेटिव किया मैंने यार? तुमने देखा नहीं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ आज मैं? तुमने एक दफा भी मेरी तारीफ की नहीं ना? मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। अच्छा, क्या तारीफ की बताओ? यही कि आज तुमने इंसानों वाला मेकअप किया हुआ है। ये देखो अपने काम, ये दरवाजा पहले से खुला हुआ। अब ये भी मेरा कसूर है ना? हाँ तो तुम ही तो हो हमेशा से केयरलेस। बाय द वे, बारात के आगे इतना बोगस डांस करने की क्या जरूरत थी? और तुम जो दूसरों की बीवियों का डांस देख रहे थे और खुश हो रहे थे, वो सब तो सही था ना? हाँ तो भाई, अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। तुम्हारा डांस देखकर तो मेरे दोस्त जितना मजाक उड़ा रहे थे, सोच है तुम्हारी। जाओ जाओ, मेरे स्कूल के फंक्शन में मेरे सारे टीचर्स मेरे डांस के दीवाने थे। हाँ होना ही था, लो लेवल स्कूल, लो लेवल टीचर्स, अंधों में काना राजा। शानी तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। सही कह रही है, इसका मुंह ना खुले अब। और तेरा भी। यार बिजी जा रहा है, कुकु भाई का नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। अब भाभी से बात कर रहे होंगे। इतनी लंबी चीख मारी और कोई मदद को भी नहीं आया। और लो शहर से बाहर घर। एक्सक्यूज मी, इसमें मेरा कसूर नहीं तुम्हारा कसूर है। तुमने तो कहा था दूर जाके घर लेंगे ताकि हमें पीस एंड क्वाइट मिले। तुम्हारे होते हुए पीस एंड क्वाइट मिल सकता है यहाँ किसी को? और रोला ही है तो तेरी बहन लगती है, वो इतना रोला डालती है। मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता ये दोनों तुम्हारे खानदान के जरूर लगते हैं। खामोश, ये बताओ कि सोना कहाँ है? यार इतनी जगह घर में देख ले, कहीं भी सो जाए जाके। यार मैं तो फिर बेडरूम में जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं उस वाले सोने की बात नहीं कर रहा। हाँ ये उस वाले सोने की बात नहीं कर रहा, बल्कि तू किस सोने की बात कर रहा है? गोल्ड कहाँ है? गोल्ड। हाँ गोल्ड लेके सिगरेट कहाँ है? हमारा निकोटीन लेवल डाउन हो रहा है। बोले थोड़ी होश कर, मैं पूछ रहा हूँ कि गोल्ड के जेवर कहाँ है? ढूंढ तो हम लेंगे, लेकिन बेहतर होगा कि तुम लोग खुद ही बता दो। देखें भाई आपको गलत फहमी हुई है, हमारे पास कोई जेवर नहीं है। अच्छा तो तू ये कहना चाह रहे कि शादी हुई है पर सेट नहीं आए? हम जहेज के खिलाफ है। तौबा तौबा, कितना झूठ बोलते हो तुम, एक एक चीज इन्होंने अपने मुंह से मांगी है। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर डाइनिंग सेट देना ही है तो फ्ला ब्रांड का दे दें, या थ्री पीस सूट देना है तो फ्ला ब्रांड का दे दें, बस। वाओ, अब आप लोग ही मुझे बताइए, ये मुंह से मांगना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? वैसे टेक्निकली इन्होंने मांगा तो नहीं। सब मर्द एक जैसे होते हैं। उठ बेटा उठ, तू इधर आ, इधर आ। देखिए भाई प्लीज गुस्सा ना करें, आई एम सॉरी, मैंने मांगा था जहेज, आइंदा नहीं मांगूंगा। मैं तीन तक गिनूंगा, बेहतर होगा कि तुम लोग खुद ही बता दो, फिर मैं गोली चला दूंगा। अगर आपने गोली चलानी है ना तो इनसे को यहां से उठ जाए, मेरा इतना अच्छा सोफा इस पे खामखा खून लग जाएगा। ये लो उठ गया मैं, आप चाहे वो तुम्हें गोली मार दे। नहीं नहीं मैं भी उठती हूँ। एक देखिए भाई, आप खुद ही सोचें कि आजकल के दौर में कौन घर पे सोना रखता है, क्यों कोमल? हाँ, हमने तो कहीं और रखवाया हुआ है। दो। ओए बताओ कहाँ है सोना? खाला के घर। ये तुम्हारी खाला हर जगह बढ़ जाती है यार। तीन। नहीं 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 नहीं। हाँ भाई, मिला जेवर के नहीं? वो मिल जाएगा, जल्दी किस बात की है, यही कहीं रखा था। और बिस्तर के नीचे जेवर कौन रखता है? जेवर को रद्दी समझा हुआ है? रोले गोली मार, लड़की की टांग में से पता लगे। नहीं 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 नहीं, शमी जान मेरा सोचो, कहीं अलमारी में तो नहीं रख दिया? हाय कितने अरसे बाद तुमने जान कहा है, वैसे ना तुम भी गन पॉइंट पे ठीक रहती हो। तुम तो गन पॉइंट पे भी ठीक नहीं रहते, तुम्हें नजर नहीं आ रहा तुम्हारी बेगम दो बदमाशों के हाथ जलील हो रही है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? गैरत क्या है तुम्हारी? गैरत कहाँ है मेरी,
हाँ, जब तुम शादी पे गैर बंदों के साथ नचांगे सारी रात सोनियों में कर रही थी ना, तब वही कहीं मेरी गैरत गिरकर मर गई थी। भोला भाई, अब देख रहे हैं? ये इंसान मुझे किसी भी हाल में खुश नहीं देख सकता। चलते हैं मुझसे ये। बहना, तुमने तो मेरे ब्रदराना जज्बात जगा दिए। अब बगैरता, तेरा मुंह बंद रहा है। अब मेरी बहन सारी रात नचेगी। बहना, नचांगे का कौन सा वर्जन लगाऊं, ओरिजिनल या रीमिक्स? भोला भाई, ओरिजिनल। ओए बस करो, मैं यहाँ पे डाका डालने आया हूँ या भैंस की आंख तुम लोगों के टट्टू मसले हल करवाने आया हूँ? अच्छा सवाल है, मेरा ख्याल है कि शट अप, बाहर निकलो, बाहर निकलो सारे, और तू भी निकल बाहर। भोला भाई, शादी की रात। ओ नाना, मुझे ना बताना, मैंने तुम्हें बहन कह दी है। भोला भाई सुने तो सही, शादी की रात इन्होंने मुझे एक चाबी गिफ्ट की। मुझे लगा वो तिजोरी की चाबी होगी, लेकिन वो तिजोरी की नहीं थी। फिर मुझे लगा वो घर की चाबी होगी, वो घर की भी नहीं थी। इन्होंने शादी की रात में मुझे मुंह दिखाई में हैवी बाइक की चाबी दी। क्या? हाँ, तो खुद ही तो कहती थी कि मुझे हैवी बाइक पसंद है। तो चलानी तो पसंद नहीं थी ना। क्या बकवास है ये, फोन की बैटरी खत्म हो जाती है फौरन ही। अपना फोन दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा फोन पुराना है, 2000 का भी नहीं बिकेगा, उससे आईफोन ले लो यार। अपना फोन दे। ये बैटरी लगा। कुकू भाई यार, आप फोन ही नहीं उठा रहे थे। जान, लड़ बाद में लेंगे, अभी हमें इनके खिलाफ यूनाइट होना है। मैं तुम्हें कैसे ट्रस्ट करूं? मुझे तो लगता है तुम मुझे ह्यूमन शील्ड बना के भाग जाओगे यहां से। वैसे आइडिया बुरा नहीं, मगर मैं ये सोच रहा था कि तुम मुझसे गन छीन सकती हो। ठीक है, लेकिन मैं भोला भाई को शूट नहीं करूंगी। बहुत अच्छे, 6 साल पुराना हस्बैंड मर जाए, मगर 6 मिनट पुराना भोला भाई को कुछ ना हो। आज ही कुकू भाई आ रहे हैं। यार, तेरे व्हाट्सएप मैसेजेस ने कॉल के दौरान बड़ा तंग किया है। ये कौन है शुमाइला, कह रही है लुकिंग हैंडसम? पता नहीं कौन है, रॉन्ग नंबर होगा इधर मुझे। एक सेकेंड, कौन शुमाइला? कोई शुमाइला नहीं, रॉन्ग नंबर होगा यार। रॉन्ग नंबर नहीं है, तूने सेव किया हुआ है। ओहो, शुमाइला नहीं, शुमाइला है मेरा दोस्त यार। नहीं नहीं, इसमें तो लड़की की डीपी लगी हुई है। तो उसने अपनी बीवी की डीपी लगाई होगी यार। प्लीज, ये मेरा फोन मुझे दो यार। ये तुम्हारी असिस्टेंट है ना? अब मुझे समझ आई तुम रोज नाश्ता किए बगैर ऑफिस क्यों जाते थे। ठहरे, मैं आपको और मैसेज पढ़ के सुनाता हूं। यार मेरा फोन दो यार। मैंने भी खेल ले। हैंड्स अप, हैंड्स अप। जान, फॉलो मी। छोड़ो मेरा हाथ। यार कभी मौके की मुनासिबत समझ भी लिया करो यार। बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है। Nobody has to die today. Wow, English. राला भाई ने बीए किया हुआ है, 70-75 अंग्रेजी फिल्मों के डायलॉग याद है। Impressive. Why so serious? Why are you so serious? Oh yeah. से बंद है। तुमने तो कहा था मच्छर आते हैं, दरवाजा बंद करो। इसका मतलब बाहर भी कुंडी लगा दी। मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया और तुमने मुझ पे चीट किया। ओ हेलो, कितना प्यार किया? तुम मुझे ये बताओ, तुमने आखिरी बार मुझे प्यार से कब देखा था? हाँ, जब आखिरी बार तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा किया था। ओ, जब मैंने तुम्हें गाड़ी खरीद कर दी थी। कितनी मटेरियलिस्टिक हो तुम। शामी, बात मटेरियल की नहीं होती, बात एहसास की होती है, बात प्यार भरा जुमला कहने की होती है, बात माफ कर देने की होती है। माफ कर देने की? तो मुझे फिर शुमाइला वाली बात में माफ कर दो और आगे चलो। हरगिज़ नहीं, ओवर माय डेड बॉडी। इतनी काली जुबान है तुम्हारी, होने लगी थी अभी डेड बॉडी। ये क्या, गोलियां खत्म हो गई? तुम्हारी गोलियां खत्म हो गई, अब क्या करोगे? ओ, ये तो क्रॉकरी मारने पे आ गए हैं। हाँ, शाबाश, खेच खेच के प्लेटें मारो, मगर ये प्लेटें मारना, ये मेरी अम्मी ने तुम्हें दी थी। अच्छा, ये तुम्हारी अम्मी की प्लेटें हैं? हाँ। ये तुमने क्या किया, मेरी अम्मी की प्लेटें तोड़ दी हैं यार। हिम्मत कर, आगे बढ़। ओ, हिम्मत मैं कर लेता हूँ, आगे तू बढ़ जा। यार ये क्या तरीका है, मैंने तुम्हें मना भी किया था।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये शामी रेजिडेंस है जी। जी आप कौन? मैं कुकु भाई। आजे आजे, कोई टेंशन नहीं है मैडम, आप भी प्लीज आ जाइए जी। जानू, और जानू क्यों मुझे पासपोर्टों के चक्कर में डाल रही हैं? और देखे ना, शादी होनी है, हमने दुबई जाना है, तो उधर से अख्तर भाई ने हमें स्मगल कर देना है पेरिस में, तो वहीं पे हनीमून मना लेंगे, हैं जी? अच्छा, क्या रोल है? मैं तो बोल रहा हूँ, रोला जेवर ढूंढ रहा है। तो मिला है कि नहीं? और नहीं बॉस, बड़े जी मियां बीवी है, लड़ी जा रही है, लेकिन इन्हें डाके का मजा ही नहीं आ रहा। बेटा ये काम है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, काम दयानतदारी से करना होता है। तुम्हें तनख्वाह किस चीज के दे रहा हूँ मैं? बॉस मैं कहता हूँ जेवर छोड़े, ये फर्नीचर और एलईडी उठा के चलते हैं। बेटा तेरी शादी की तारीख पक्की होगी ना, फिर तू इन शादी की पेचीदगियों को समझेगा। और तेरी भाभी को यही वाला सेट चाहिए। भाभी जानती है इसे? और हाँ यार, उसकी तस्वीर उसने इंस्टाग्राम पे देख ली थी, तो तेरी भाभी कहती है कि मुझे ऐसा ही सेट चाहिए। और मैंने कहा ऐसा सेट बनवाने की क्या जरूरत है, मैं यही ला देता हूँ। भाभी इंस्टा पे है क्या? आईडी है? मुझे तलाक चाहिए। मैंने हजार बार तुम्हें कहा है कि मुझे नफरत है इस लफ्ज से। ओके, मुझे डिवोर्स चाहिए। यार ड्रामे ना करो, ये वक्त नहीं लड़ाई करने का, ये सोचो कि इस मसले से कैसे निकलना है। ये कोई मसला नहीं है, सबसे बड़ा मसला तो तुम हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो क्या तुम? क्वीन हो क्या? हाँ हूँ तो। क्वीन ऑफ खाने वाल, तुम एक नॉर्मल लड़की हो, और तुम्हारे जैसी 5-7 करोड़ पाकिस्तान में वैसे ही फिर, बल्कि छोड़ो मैं तुम्हें मार्जिन देता हूँ 1 करोड़ तो जरूर होंगी। अच्छा तो जाओ ढूंढो उन 1 करोड़ में से, अगर कोई भी मेरे जैसी हो तो कर लेना शादी। मेरा दिमाग खराब है कि दूसरी भी ढूंढो और तुम्हारे जैसी से शादी करूं? बोले तुझे क्या लगता है कि बंदे को पता है कि किधर है सोना? यकीनन पता है, बड़ा खोचला आदमी है। तो एक काम करना, रोले को कह कि उसकी बीवी की टांग में गोली मार दे, बोल पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल, नफरत करते हैं दोनों एक दूसरे से। तो नफरत का इलाज है ना? क्या? गोली पिस्तौल की। यकीन करें, आई एम सो शॉक्ड, मैंने यहाँ पे छुपाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। हम सच कह रहे हैं, यही था, पता नहीं कहाँ गया जेवर। कुकु भाई कह रहे हैं फटका दो इधर। रुको, ये बात जान, शुक्र है तुम्हारा मेरे लिए प्यार वापस आ गया। अगर आपने इसको मारना है तो मार दो, लेकिन प्लीज मेरे सामने नहीं, मैं खून खराबा नहीं देख सकती, मैं ट्रॉमेटाइज हो जाऊंगी। फिटे मुंह भाई। मेरा क्यों फिटे मुंह? यकीनन तुम ही ने कहीं जेवर छुपाया है। मैं तुम्हारा जेवर बचाने के लिए तकरीबन गोली खा ही रहा था, और तुम कह रही हो कि अच्छा ठीक है फाइन, मैं बता दूंगा, मगर बताऊंगा मैं सिर्फ कुकु भाई को। बहुत शुक्रिया जेवर का, अब हम चलते हैं। रोले उड़ा दे इनको। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? ओ भाई तुमने हमारी शक्लें देख ली हैं, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। तो आपको मास्क पहन के आना चाहिए था, ये तो आपका कसूर है, आपकी गलती की सजा हम क्यों भुगते? वैसे भी कोरोना फैला हुआ है, आपको एहतियात करनी चाहिए थी। अब बोला भाई प्लीज आप ही कुछ करें ना। अच्छा फिर एक शर्त है मैडम, माशाल्लाह हमने बहुत बड़े बड़े डाके मारे हैं, लेकिन जिस तरह इस बंदे ने अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाई है ना, मैं कहता हूं वाह, आपको तो इसकी कदर करनी चाहिए। और तू, तेरे से इतना प्यार करती है ये, अब तू इसको रानी बना के ना रखे तो फिर तेरा ही कोई प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों आपस में दोस्ती कर लेना तो फिर हम आपको छोड़ देंगे। I guess we can start over, है ना? हाँ जान, हमें दूसरी जिंदगी मिली है, हम लड़के उसको जाया नहीं कर सकते। ओके ग्रेट एक्सेलेंट, बहुत शुक्रिया जेवर का, हम चलते हैं फिर, बाय बाय। इजाजत हो तो शुमाइला से दोस्ती कर लो। हाँ कर लो। थैंक यू थैंक यू। कुकु भाई ये तो खाली है। ओ हाँ यार, पता शामी ने क्या कहा? क्या? जेवर है ही नहीं। क्या मतलब? ओ यार उस बेचारे ने ना जेवर बेच के बीवी को गाड़ी खरीद दी ताकि वो स्कूल आ जा सके। तो पहले
पहले क्यों नहीं बताया? बीवी से मार खानी थी। तो यानी कुकू भाई, अब आपको भाभी से मार पड़ेगी। आय आय, नहीं नहीं नहीं, भाभी से मार पड़ेगी। भाभी की इजाजत से ये किया है। उसको तरस आ गया इनपे। उसने कहा इनकी सुलह करा दो, हमारी शादी का सदका निकल जाएगा। भाभी जिंदाबाद, ये तो लड़की का काम हो गया। हा? मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा किया, बड़े प्यारे लोग थे। जान दरवाजा बंद कर दे। जान आप कर दो ना, मेरी हालत अभी तक टाइट है। तो अच्छी बात है ना, दरवाजा बंद कर दे और फ्रिज से अपने लिए ठंडा पानी ले आना। और सुनो, वापसी पे क्रीम लेते आना, मुझे फुट मसाज चाहिए। आई एम सॉरी, मैं अभी मौत के मुंह से बचाऊं और तुम्हें फुट मसाज चाहिए? मैं ट्रॉमेटाइज हूँ, तुम्हें तो मेरा जरा भी ख्याल नहीं। नहीं तो तुम्हें क्या ख्याल है मेरा? ओ गॉड, स्टॉप बीइंग अ बेबी। तुम मर्द क्यों नहीं बन सकते? मर्द ही हूँ, और तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, मेरी केयर करो। उफ, कुत्ते की दुम कभी सीधे नहीं हो सकती। व्हाट, तुमने मुझे कुत्ता कहा? ओए गने लड़कू।